नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम वीकली राउंडअप और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ी कुछ खास खबरों की, साथ ही डालेंगे नजर लोकतंत्र और संसद भवन परिसर से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर। तो शुरुआत करते हैं वीकली राउंडअप की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिन का मॉरिशस का दौरा, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 4 समझौता ज्ञापनों पर हुए हस्ताक्षर, दोनों देशों ने साझेदारी को और मजबूत करने पर जताई प्रतिबद्धता। समाजसेवी लेखिका सुधा मूर्ति ने ली राज्यसभा की सदस्यता की शपथ, राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने दिलाई शपथ। सिक्किम से नवनिर्वाचित दोरजी शेरिंग लेपचा ने भी शपथ ली। प्रधानमंत्री ने सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जनकल्याण के लिए पीएम सूरज पोर्टल का किया शुभारंभ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधन में कहा वंचितों के विकास से ही विकसित भारत का लक्ष्य होगा पूरा। उपराष्ट्रपति ने भारतीय राजस्व सेवा के 77वें बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को किया संबोधित, देश में आर्थिक राष्ट्रवाद की भावना को प्रोत्साहन देने पर दिया जोर, कहा करदाताओं की संख्या बढ़ाने पर करें फोकस। एमआईआरवी तकनीकी से लैस अग्नि-5 मिसाइल के सफल परीक्षण से डीआरडीओ ने एक बार फिर रचा इतिहास, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए वैज्ञानिकों को दी बधाई। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिन की मॉरिशस की राजकीय यात्रा पर रहीं। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मॉरिशस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठकें हुई, जिसमें भारत और मॉरिशस के बीच मजबूत द्विपक्षीय साझेदारी को और गति देने को लेकर बातचीत हुई। साथ ही वित्तीय सेवाओं और दोहरे कराधान से बचाव जैसे क्षेत्रों में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। राष्ट्रपति मॉरिशस सरकार के निमंत्रण पर 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। इस दौरान राष्ट्रपति ने भारतीय नौसेना की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन के 2 जहाजों INS तीर और CGS सारथी के साथ समारोह में शिरकत की। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अद्वितीय और बहुआयामी भारत मॉरिशस संबंधों को और सुदृढ़ करने पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मॉरिशस विश्वविद्यालय की ओर से डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि प्रदान की गई। राष्ट्रपति ने इसके लिए खुशी जाहिर की, साथ ही कहा कि कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करने वाली वे अपने गांव की पहली महिला थीं, इसीलिए वे शिक्षा के महत्व को जानती हैं। The subsequent visionary leadership of Mauritian leaders like Sir Shiv Sagar Ram Gulam and Sir Sri Anirudh Jagannath have built on this rich foundation to create a vibrant, pluralistic and prosperous Mauritius that inspire Africa and the world. This power of education resonates strongly with me at a personal level too, as education has been the single most important tool that has had a transformative impact in our own life journey. इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोका में स्थित महात्मा गांधी विश्वविद्यालय का दौरा भी किया। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन के दौरान भारत और मॉरिशस के पुराने संबंधों की चर्चा की। उन्होंने मॉरिशस के इतिहास को याद करते हुए उन सभी महान नेताओं को याद किया जिन्होंने सशक्त मॉरिशस के बनाने में अपना योगदान दिया। द न्यू भारत ऑफ टुडे इज मेकिंग जायंट स्ट्राइड्स इन ऑल स्फीयर्स। It is dynamic, progressive, assertive, and is firmly on the way to becoming one of the top 3 global economies. This opens up new avenues and opportunities for the youth of Mauritius. I am pleased to announce that with the extension of OCI card eligibility to Indian origin Mauritians of the 7th generation, many more young Mauritians.
इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने पोर्ट लुइस में अप्रवासी घाट और अंतर्राष्ट्रीय दास्ता संग्रहालय में मॉरिशस पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाजसेवी सुधा मूर्ति ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन स्थित अपने कक्ष में उन्हें शपथ दिलाई। इस अवसर पर सदन के नेता पीयूष गोयल भी उपस्थित थे। सुधा मूर्ति के पति एनआर नारायण मूर्ति भी मौजूद रहे। सुधा मूर्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। बता दें कि इन्फोसिस फाउंडेशन की पूर्व अध्यक्ष 73 वर्ष की सुधा मूर्ति हजारों लोगों की प्रेरणा है और बच्चों के लिए कई किताबें लिख चुकी हैं। कन्नड़ और अंग्रेजी साहित्य में योगदान के लिए प्रख्यात सुधा मूर्ति को साहित्य अकादमी, बाल साहित्य पुरस्कार, पद्मश्री 2006, पद्म भूषण 2023 जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। बढ़ते आगे, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सिक्किम से नवनिर्वाचित सदस्य दोर्जी शेरिंग लेपचा को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर श्री लेपचा के परिजन और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। बता दें कि दोर्जी शेरिंग लेपचा बीजेपी की टिकट पर सिक्किम से उच्च सदन के लिए चुने गए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूरज पोर्टल का शुभारंभ किया, जो कि सामाजिक उत्थान, रोजगार और जन कल्याण पर आधारित है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कार्यक्रम वंचित वर्गों को प्राथमिकता देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी की गारंटी है कि आने वाले 5 वर्षों में वंचित वर्ग के विकास और सम्मान का ये अभियान और तेज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया। पीएम सूरज यानी प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण राष्ट्रीय पोर्टल। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 10 वर्षों से भारत सरकार वंचित वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए समर्पित रही है। इसके माध्यम से समाज के वंचित वर्ग को सीधे वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दलितों, पिछड़ों और वंचितों तक पहुंच रहा है। इससे लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आ रहा है। वंचित समुदाय के लोगों को अब सीधे आर्थिक सहायता दी जा सकती है, यानी भारत सरकार की दूसरी योजनाओं की तरह ही विभिन्न अन्य योजनाओं का पैसा भी सीधे आपके खाते में पहुंचेगा। न कोई चीज का बिचौलिया, न कट, न कमीशन और न ही कोई सी सिफारिश के लिए चक्कर काटने की जरूरत। कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले हमारे सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों को आज पीपीई किट्स और आयुष्मान हेल्थ कार्ड भी दिए जा रहे हैं। इन्हें और इनके परिवार को अब 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित हो गया है। ये लाभकारी योजनाएं उस सेवा अभियान का ही विस्तार है जो हमारी सरकार 10 वर्षों से एससी, एसटी और ओबीसी और अन्य वंचित समाज के लिए चला रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा में कोटा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की शाखा का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दुनिया में सहकारिता से ही सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का युग शुरू हुआ है और सहकारिता के माध्यम से ही राजस्थान के लोग आत्मनिर्भर हो सकेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उनकी सरकार सहकारिता सेक्टर को मजबूत बनाना चाहती है। इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और इसमें महिलाओं की अहम भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में एक प्लेटफॉर्म से ग्रामीणों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। इन सहकारिता आंदोलन का अगर सबसे बड़ा अमूल जूल परिवर्तन होगा तो जो हमारी ग्राम सेवा सहकार समिति है इसको एक मजबूत तंत्र के रूप में सहकारिता आंदोलन में माननीय अमित शाह जी खड़ा करना चाहते हैं।
और इसीलिए जहां जहां भी पंचायतों के अंदर ये ग्राम सेवा सहकारी समिति नहीं है, वहां ग्राम सेवा सहकारी समिति बनाने का एक आंदोलन खड़ा किया जा रहा है। एक वक्त आएगा जो उस फैक्ट से, उस कोऑपरेटिव ग्राम सेवा सहकारी समिति से एक प्लेटफॉर्म पर उस गांव की सारी चीजों की आवश्यकताओं की पूर्ति आएगी। एक समय आएगा जो हमारी महिलाएं बैठी है हर गांव के अंदर राजीविका मिशन के माध्यम से उनके बनाए प्रोडक्ट गांव में बिकेंगे, शहर में बचेंगे और बड़ी मल्टी स्टेट कंपनियां भी लेगी। तो कार्यक्रम वीकली राउंडअप में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए संसद टीवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने उपराष्ट्रपति निवास में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच भारत और न्यूजीलैंड के बीच मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंधों पर चर्चा की गई, जो कि लोकतंत्र और कानून के शासन में निहित सामान्य मूल्यों पर आधारित है। साथ ही दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग, कनेक्टिविटी और लोगों से लोगों के बीच संबंधों को बढ़ाने पर चर्चा की। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडियाज टेकेड चिप्स फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला रखी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत प्रमुख सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि आत्मविश्वासी युवा देश की किस्मत बदल सकता है। देश में सेमीकंडक्टर उत्पादन के लिए इकोसिस्टम मजबूत बनाने के उद्देश्य से इकाइयां स्थापित करने का प्रयास हो रहा है। इसी कदम को आगे बढ़ाते हुए गुजरात इंडिया टेकेड का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत पूरी दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है और इलेक्ट्रॉनिक चिप के बिना उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेड इन इंडिया चिप, डिजाइन इन इंडिया चिप भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ से ले जाने में, आधुनिकता की तरफ ले जाने में ये बहुत बड़ा सामर्थ्य पैदा करेगी। पहली, दूसरी और तीसरी औद्योगिक क्रांति के समय भारत अनेक कारणों से पीछे रह गया था, लेकिन अब भारत इंडस्ट्री 4.0 चौथी औद्योगिक क्रांति के नेतृत्व के इरादे से आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन में भारतीय राजस्व सेवा के 77वें बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने प्रशिक्षु अधिकारियों से देश में आर्थिक राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने का आग्रह किया। साथ ही कहा कि 140 करोड़ की आबादी के साथ देश की कर संग्रह क्षमता बहुत ही कम है, लिहाजा अधिकारी करदाताओं की संख्या को बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहें। संसद भवन परिसर में भारतीय राजस्व सेवा के 77वें बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति ने IRS प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि ये अच्छी बात है कि अब करदाता को आश्वासन दिया गया है कि उसके कर भुगतान का राष्ट्रीय विकास के लिए पूरी तरह से और अधिकतम उपयोग किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश में कर प्रशासन में लोगों का विश्वास बढ़ा है, जिससे कि देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बढ़ोतरी हुई है। इन दिस अपबीट नेशनल मूड ऑफ होप एंड पॉसिबिलिटी यू ऑल आर गोइंग टू चार्टर द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री फ्रॉम अमृत काल
onward to Viksit Bharat at 2047. Imagine what lies on your shoulders. A perfect platform is made available to you. You have to be in delivery mode now. In the last decade, transformative taxation reforms have reduced the tax burden, removed distortionary incentives, paving the way for increasing the tax base to further boost growth. When I said distortion in incentives, that was absolutely a bane. It has been rationalized. Seamless mechanism is now in place. It takes great planning and approach to do it. This has been accomplished. It's a big change. कार्यक्रम के दौरान राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी, सीबीडीटी के अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। बढ़ते आगे, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अयोध्या धाम में माहेश्वरी समाज के भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सबको प्रेरणा और ऊर्जा देने वाले भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या की धरती पर प्रणाम करने का सौभाग्य मिला। भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना का पुनर्जागरण हुआ है। हम वर्षों तक भगवान रामलला के मंदिर का इंतजार कर रहे थे, जो इस कालखंड में पूरा हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला दो दिन की यात्रा पर अयोध्या पहुंचे। इस यात्रा के पहले दिन लोकसभा अध्यक्ष ने राम मंदिर में राम लला के दर्शन किए और विश्व शांति और भारत की प्रगति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने माहेश्वरी समाज भवन के भूमि पूजन कार्यक्रम में भी शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या की धरती को नमन किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सैकड़ों वर्षों से देश के साधु संतों और राम भक्तों ने राम लला के लिए त्याग और बलिदान किया। उन्होंने कहा कि इस संघर्ष का परिणाम देखने का सौभाग्य इस कालखंड में सभी देशवासियों को मिला, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। ये कालखंडम सबके लिए सौभाग्य है। किस कालखंड में वर्षों तक जिसका इंतजार कर रहे थे, भगवान रामलला का मंदिर बना। माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस प्राण प्रतिष्ठा में आए थे और पूरा देश उस प्राण प्रतिष्ठा के साथ अपने आप को जोड़कर जिस विनम्र भाव से, जिस आध्यात्मिक धर्म आस्था से भगवान रामलला के विग्रह का हम सबने दर्श देखा, हम सबको भगवान राम के 14 वर्ष आने के उपरांत जैसे पूरे देश में दिवाली मन रही हो, हर घर में दिया जलाकर लोगों ने दिया। लोकसभा अध्यक्ष ने माहेश्वरी समाज द्वारा किए गए कई सामाजिक कार्यों की सराहना की। साथ ही कहा कि माहेश्वरी समाज ने शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण और कई क्षेत्रों में अग्रणी योगदान दिया है। कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राजस्थान सरकार के मंत्री और विधानमंडल के सदस्य भी मौजूद रहे। अग्नि 5 मिसाइल के सफलतापूर्वक परीक्षण पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों को बधाई दी है। डीआरडीओ ने जैसे ही अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण करने की घोषणा की, उसके साथ ही भारत की उपलब्धियों में एक और अध्याय जुड़ गया। इसे मिशन दिव्यास्त्र कहा जा रहा है। डीआरडीओ की कामयाबी में एक और अध्याय जुड़ गया। डीआरडीओ ने MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीकी के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। इस तकनीकी के जरिए अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न लक्ष्यों पर निशाना साधा जा सकता है। इस परियोजना की निदेशक एक महिला है और मिशन में कई महिलाओं का योगदान है। मिशन दिव्यास्त्र के परीक्षण के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिनके पास MIRV क्षमता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट के जरिए संदेश में कहा कि ये मिशन भारत की बढ़ती भू रणनीतिक भूमिका और क्षमताओं की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक मजबूत कदम है।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोशल मीडिया में पोस्ट के जरिए कहा कि डीआरडीओ की ये अभूतपूर्व उपलब्धि भारत के समग्र विकास पथ के अनुरूप है। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीकी के साथ अग्नि 5 मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं और नवाचार की भावना का प्रमाण है। सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री ने कहा कि मिशन दिव्यास्त्र के लिए डीआरडीओ के हमारे वैज्ञानिकों पर गर्व है, जिन्होंने MIRV प्रौद्योगिकी से लैस स्वदेश में विकसित अग्नि 5 मिसाइल का प्रथम उड़ान परीक्षण किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि कोई आपसे आपकी गारंटी मांगता है तो आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपकी गारंटी मैं लेता हूं। ये तस्वीरें पीएम स्वनिधि योजना की कामयाबी की है। ये तस्वीरें उन्नति का आसमान खोलने की है। तस्वीरें स्ट्रीट वेंडर्स को मिल रही समृद्धि की है। 14 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के उस वर्ग से रूबरू हुए जिसको दशकों से अपने हिस्से का बदलाव चाहिए था, अपने हिस्से का आसमान चाहिए था। पिछले कई साल इस वर्ग के लोगों के लिए बदलाव लेकर आए हैं और ये बदलाव आया पीएम स्वनिधि योजना के जरिए। पहले की सरकार ने आपकी यह समस्याएं न सुनी, न समझी, न समस्या का समाधान करने के लिए कभी कोई कदम उठाया। आपका ये सेवक गरीबी से निकलकर यहां पहुंचा है। मैं गरीबी को जी करके आया हूं और इसलिए जिसको किसी ने नहीं पूछा उन्हें मोदी ने पूछा भी है और मोदी ने पूजा भी है। जिनके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था तो मोदी ने कह दिया था बैंकों से भी और रेडी पटरी वाले भाई बहन को भी, अगर आपके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं है तो चिंता मत कर दीजिए, मोदी आपकी गारंटी लेता है। पैसे के किसी भी लेन देन में गारंटी शब्द आपने सुना होगा, लेकिन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए गारंटी जुटाना कितना मुश्किल है ये आप आसानी से समझ सकते हैं। अब देश के वंचितों को उनका हक मिल रहा है, इसकी गारंटी योजनाएं दे रही हैं, आंकड़े भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। सरकारी योजनाओं की बदौलत 13.5 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी की बेड़ियां तोड़कर नए मध्यम वर्ग से जुड़ने में सक्षम हुए हैं। पिछले एक दशक को बदलाव का दशक कहा जा रहा है, गरीबों के जीवन को बदलने वाला दशक कहा जा रहा है। जब देश के गरीब का अर्थतंत्र सुधरता है तो क्या होता है, इसके बारे में दशकों तक सोचा ही नहीं गया। अब इस बारे में न सिर्फ सोचा जा रहा है बल्कि वंचित वर्ग को उसके हिस्से की भागीदारी भी मिल रही है, जीवन में कुछ करने की उम्मीद मिली है। स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्वरोजगार, स्वावलंबन और स्वाभिमान का प्रतीक बनी है। तो कार्यक्रम वीकली राउंडअप में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।